एक काफ़ी अच्छा दिवाली डेकोरेशन लाइट बना के दिखाने वाला हूँ, क्योंकि गाइज ये एक ख़राब एलईडी बल्ब से बन के रेडी हो चुकी है और ये गाइज जो लाइट है ओनली 10 रुपये में बन के रेडी हो गई है। तो गाइज वीडियो को फुल वॉच जरूर करना, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल पर पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन और पेज प्रेस कर देना। प्लीज़ दिवाली डेकोरेशन लाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ख़राब एलईडी बल्ब ले लेना है। यहाँ मैं 4 एलईडी बल्ब ले रहा, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। लेने के बाद यहाँ देख सकते हो जो एल्यूमिनियम का होल्डर रहता है उसको मैंने यहाँ से निकाल लिया है, आपको भी निकाल लेना है। और अंदर जो यहाँ पे जो सर्किट और एलईडी हीटिंग लगी रहती है उसको भी आपको निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद आपको सभी बल्बों में कुछ इसी तरीके से कर लेना है। आपको यहाँ पर RGB एलईडीज ले लेना है। ये एलईडीज़ मेरे को 2 रुपये पर पीस के हिसाब से मिली है, तो मैंने इसके 10 पीसेस ले लिए हैं। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ मैं आपको मोबाइल की बैटरी से चला के अभी दिखाऊंगा, फिर मैं इसको बता दूँ। ये बड़ी वाली जो लैग है एलईडी की वो पॉजिटिव है, और छोटी वाली लैग है वो नेगेटिव है। और फिर मैं इसको बैटरी में लगाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से मैं पॉजिटिव पॉजिटिव में और नेगेटिव नेगेटिव में लगाते रहूँ। तो यहाँ देख सकते काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, ग्रीन ब्लू रेड। तो इसके मैंने यहाँ पर अब क्या करूँगा, जो बल्ब लिया है मैंने, फिर मैं क्या करूँगा, एक बल्ब के ऊपर मतलब जो अंदर है हमें 2 LED लगाऊंगा। लगाने के लिए हमें PVC पाइप की जो शीट रहती है उसमें मैं LED के लिए होल कर लूँगा। जो PVC पाइप की शीट है मैं कुछ इस प्रकार से लगाऊंगा। लगाने के लिए यहाँ देख सकते हैं मैंने होल कर लिए हैं। होल करने के बाद यहाँ पे जो LEDs है मैं कुछ इस प्रकार से होल के अंदर में लगा ले रहा हूँ। अब गाइस मैं क्या करूँगा, जो LEDs की लैग है उसको मैं कुछ इस टाइप से मोड़ ले रहा हूँ, और जो दूसरी वाली LEDs की लैग है मैं उसको भी कुछ इस प्रकार से मोड़ ले रहा हूँ। मोड़ लेने के बाद आपको क्या करना है, जो मैं इसके कनेक्शंस करूँगा तो मैं पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ रखूँगा और नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ। तो मैं इसको सोल्डर कर ले रहा, सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से। यहाँ देख सकते गाइस मैंने सोल्डर कर लिया, मैं इसमें वायर सोल्डरिंग कर ले रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा लंबी वायर नहीं रखना और ज़्यादा छोटी वायर भी नहीं रखना है, और आपको अच्छे से इसको सोल्डरिंग करना है। अब मैं क्या करूँगा, जो LED है उसको मैं कुछ इस प्रकार से बल्ब के अंदर में ले जा लूँगा। फिर आपको क्या करना है, उसको पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपको उसको फेविक्विक की हेल्प से साइड साइड में चिपका लेना है। तो मैं चिपका लेता हूँ। तो गाइज मैंने इसको चिपका लिया। चिपका लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको वायर को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, आपको कुछ इस प्रकार से वायर को अंदर ले जाके कुछ इस टाइप से आपको गठानी लगा देनी, यानी नॉट, जिससे वायर अगर खींचे तो वो वायर अंदर से टूटे ना। फिर मैं क्या करूँगा, एक बॉटल कैप लूँगा, उसमें मैंने एक होल कर लिया है। होल करने के बाद आपको यहाँ पर जो वायर है कुछ इस प्रकार से आपको उसके अंदर से निकाल लेना है। फिर आपको बल्ब के ऊपर रख देना है उसको। फिर उससे पहले मैं यहाँ पे फेविक्विक लगा दे रहा हूँ जिससे बॉटल कैप चिपक जाए और निकले ना। तो आप उसको ग्लू गन की हेल्प से भी चिपका सकते हो, लेकिन मैं उसको फेविक्विक की हेल्प से चिपका रहा हूँ। तो मैं इसको चिपकाते लेता हूँ। यहाँ देख सकते गाइज मैंने उसको चिपका लिया है। चिपका लेने के बाद आपको इसका डिफ्यूज़र में लगा ले रहा हूँ। गाइज मैंने इसका डिफ्यूज़र लगा लिया है। लगाने के बाद आपको सभी को कुछ इसी प्रकार से रेडी कर लेना है। और यहाँ देख सकते गाइज एक बल्ब में मैंने एक ही LED लगाई, क्योंकि एक LED फ्यूज़ हो गई थी और मेरे पास टाइम नहीं था मार्केट जाने के लिए। तो आप यहाँ पे 2 LEDs लगा लेना। लगाने के बाद यहाँ देख सकते आपको भी सभी को कुछ इसी प्रकार से रेडी कर लेना है। रेडी कर लेने के बाद यहाँ देख सकते आप, मैंने सभी का वायर अलग अलग रखा है और एक बल्ब का वायर मैंने चेंज करा। आपको सभी का वायर एक ही जैसा करना है। करने के बाद अब मैं इसको एक, मैं यहाँ पे एक वायर ले रहा, ये वायर 2 मीटर का है, आप चाहें तो 3 मीटर का भी ले सकते। अब इस वायर को करना क्या है, आपको यहाँ पर स्केल ले लेना है। स्केल लेने के बाद इस वायर को आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से स्केल के ऊपर रख लेना है। फिर आपको यहाँ पे 20 सेंटीमीटर में इसको पकड़ के यहाँ पे मार्कर की हेल्प से, यहाँ देख सकते मेरे पास मार्कर और चिटा दिया मैंने सुपर बन जैसे। तो मैं इसको यहाँ पे
पे मार्क कर लेना। आप इसको 10 सेंटीमीटर 15 आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं 20 सेंटीमीटर में मार्क लगा रहा हूँ, तो इसी तरह मैं सब में लगा ले रहा हूँ। यहाँ देख सकते गाइज, मैंने इस वायर को यहाँ पे मार्क लगा कि अब मैं यहाँ से आगे से थोड़ा वायर को कट कर लिया, मतलब छील लिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जो बल्ब का वायर है और जो वायर जो मैंने बड़ा वाला लिया था, उस वायर को मैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ देख सकते मैं कुछ इस प्रकार से इसको मोड़ दे रहा हूँ, तो मैं फटाफट से इसको मोड़ ली। गाइस मैंने इस वायर को पूरा मोड़ लिया है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जहाँ मैंने मार्किंग लगाई है, कहाँ पे, यहाँ पे देख सकते गाइस मैंने ढूंढ लिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा मैं वायर को कट लगा लूँगा। और मैंने क्या करा, पे यहाँ पे पॉजिटिव बल्ब का है, इसी के ऊपर मैंने जो वायर है उसको भी मैंने प्रिंट कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, मैंने इसको कट लगा लिया है। फिर मैं क्या करूँगा, इस कट पे मैं कुछ इस प्रकार से दूसरे एलईडी बल्ब को लगा लूँगा, जिससे कि जो प्लस प्लस एक साइड हो जाएगा, माइनस माइनस एक साइड। यहाँ देख सकते हैं गाइज, मैंने इन दोनों को कुछ इस प्रकार से लगा लिया है, और मैं सभी को कुछ इसी प्रकार से मैं कम्प्लीट कर ले रहा हूँ। सकते गाइज, मैंने इसको सबको यहाँ पे मैंने लगा लिया है, आपको भी लगा लेना। और यहाँ पे मैंने देख सकते हैं यहाँ पे टेप लगा लिया है, आपको भी यहाँ टेप लगा लेना सब पे, शॉर्ट ना हो ये सब, तो आपको भी अच्छे से टेप लगा लेना है। लगा लेने के बाद अब मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा, तो टेस्टिंग करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन हैं, तो मैं आपको मैं बता दे रहा हूँ। जो पहला ऑप्शन है मेरे पास वो बैटरी है, आप इसको बैटरी से भी चला सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव में लगाना है, नेगेटिव नेगेटिव में। जहाँ देख सकते मैं लगा दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लिंक कर रहे हैं ये सब एलईडी बल्ब, तो आप इससे भी जला सकते। दूसरा ऑप्शन जो है वो है जो आप मोबाइल चार्जर रहता है, उसमें आप यूएसबी कुछ इस प्रकार से लगा सकते हो। यहाँ मैंने लगा के एक्सटेंशन बोर्ड में मैं इसको लगा दे रहा हूँ। यहाँ देख सकते गाइस, मैंने इसको एक्सटेंशन बोर्ड में लगा लिया है। और जो आगे की जो मोबाइल चार्ज करने की यूएसबी रहती है, उसको मैंने यहाँ से कट कर लिया है। अब आप कुछ इस प्रकार से जो बल्ब का पॉजिटिव वायर, उसको मैं ऐसे लगा सकते हो। काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, लेकिन गाइज ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। फिर यहाँ मैं एक रेजिस्टेंस का यूज़ कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस मेरे को एक ख़राब मोबाइल चार्जर के सर्किट से निकाला था मैंने, तो मैं उसको कुछ इस प्रकार से, यहाँ मैं इसको कुछ इस प्रकार से, यहाँ देख सकते ब्लैक ब्लैक वायर जो रहता है बल्ब का, जो ब्लैक मतलब माइनस वायर है, उसको मैं कुछ इस प्रकार से ऐड दूंगा। और जो प्लस वायर है, जो यूएसबी मतलब चार्जर का जो प्लस वायर आया है, उसको मैं रेजिस्टेंस के साथ लगा दूंगा। और जो एलईडी का प्लस वायर, उसको मैं यहाँ पे लगा दे रहा, काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब मैं इसकी टेस्टिंग कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते गाइज, मैंने इसको कुछ इस प्रकार से दीवार की मैं लगा लिया है, और मैंने यहाँ पे खील ठोक के इसको लगा लिया था। और गाइज अब देख सकते हैं आप, वायर जो देख रहे हो पहले वाइट कलर की थी, अब मैं यहाँ पे जो वायर है वो ब्लू कलर की कर दी, क्योंकि गाइज वो वाइट कलर की वायर थी, जो वो जहाँ जहाँ मैंने एलईडी बल्ब लगाए हैं वहाँ वहाँ वो शॉर्ट हो रही थी, तो कोई मतलब नहीं था गाइज, तो मैंने उसको निकाल के यहाँ ब्लू कलर की अच्छी वाली वायर मैंने लगा दी है। और गाइज जो ये वो जल रहा है, जो बल्ब वो सीधा 5 वोल्ट से चल रहा है, जो मैंने चार्जर दिखाया था। अब गाइज ये जो बल्ब है काफ़ी अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है, मैं अभी अपनी फ्लैश लाइट बंद करके दिखा दे रहा, तो देखो गाइज काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। आप इसके, अब गाइज मैं इसके सिनेमैटिक शॉट्स आपको दिखा दे रहा हूँ। गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और गाइज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहले बनाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।